मैं तो ट्रेन से कूद के थक गई पैसा। तो बहुत ऊपर से गिरे ना इसलिए। बट बाबूजी, हमें तो प्लेन में से नीचे फेंक दिया। तो मैं ना कपड़े बदल के आती हुआ। प्रफुल्ल, मैं कौन सी साड़ी पहनूं? क्या कौन सी साड़ी पहनूं अंशा? देखो तो सही, हमें वीरान बंजर जगह पे फेंक दिया है। ये तो मैं ब्राउन साड़ी पहनती हूँ, मैचिंग होगी। अरे क्या ब्राउन कलर की साड़ी अंशा, अगर किसी ने हमें बचाया नहीं, खाना पीना नहीं मिला ना, तो मर जाएंगे हम लोग। तो मैं लाल साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि मैं ना सुहागन मरना चाहती हूँ। वाह वाह वाह, मेरी अंशा, पतिव्रता पतिव्रता नारी। मैं ही मार डालता हूँ इसे। मच्छर तो मार नहीं सकते। अब आस पड़ोस से पहले पानी और खाने पीने का इंतजाम करते हैं भगवान। क्या क्या? नो मैन्स लैंड में उतार दिया गया है उनको। मतलब? मतलब एक मिनट, नो मैन्स लैंड जहाँ आदमी नहीं लैंड कर सकते। लेडीज टॉयलेट। मतलब कि बाबूजी, हिमांशु और प्रफुल पाजी भी लेडीज टॉयलेट में जा कैसे पाएंगे? मुझे ऐसा लगा था कि मैं पहली बार इस घर में आऊंगा और मैं परेशान नहीं हूँ, मगर नहीं, आप लोगों ने इस घर की परंपरा को बरकरार रखा है। धन्यवाद। क्या धन्यवाद? नो मैंस लैंड यानी वीरान, सूखी बंजर जमीन। अरे जैसे कि सूखा रेगिस्तान। लो जी, हमारी परमिंदर ने तो कभी बंजर जमीन ही नहीं देखी। हाँ जी, हमारा चंडीगढ़ ना हमेशा हरा भरा रहता है। अरे वो लोग वहाँ से जल्दी नहीं निकले ना, तो उन्हें शमशान देखने की नौबत आएगी। हमारी परमिंदर ने तो आज तक शमशान भी नहीं देखा। अरे मेरा मतलब है कि वो लोग दम तोड़ देंगे वहाँ पर। गिद्ध, भेड़िए, ये सारे जमा हो जाएंगे उन्हें नोच खाने के लिए, समझ रहे हो? लो जी, ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। हमारी परमिंदर ने तो आज तक कभी गिद्ध और भेड़िया भी नहीं देखे थे। ये आप लोग पहले से ऐसे कि इस घर का असर हुआ है आप पे? पारेखिया हो गए आपको, पारेखिया। सुनो सुनो, मैं और बाबूजी पानी ढूंढने जाते हैं, आपको कोई दिखे तो मुंबई का पता पूछ लेना। आपकी बहन हंसा, प्रफुल, ये सारे पानी पानी कर रहे होंगे वहाँ पर। बाबूजी और जोशी कहाँ चले गए हो वीरान? वो तो पानी ढूंढने और मुंबई का आता पता पूछने गए। चले चले खेलते। अच्छा सुनो सुनो, हमें भी यहाँ कोई मिले या दिखे तो हमें भी उससे मुंबई जाने का पता पूछना है, भूलना नहीं है। अभी ऐसे कोई दिख नहीं रहा है। प्रफुल पुराजी, वो देखो गोले शरबत वाला। अरे हाँ, बाबू। चलो चलो भाई साहब। अच्छा अच्छा, गोला गोला। फास्ट आओ इधर, फास्ट आओ। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा, आ जाइए। आ गया आ गया। अरे भाई साहब, ओ गोले वाले भाई साहब। कौन सा शरबत दे आपको, काला खट्टा ऑरेंज? नहीं नहीं, हमें कुछ चाहिए नहीं भाई साहब, हमें ये बताइए आपको मुंबई जाने का पता मालूम है? पारेख अपार्टमेंट्स बोरीवली। हाँ। हमको मालूम भी होती और हम आपको बता भी देती। अच्छा। तो भी आप मुंबई जिंदा नहीं पहुंच पाती। हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? गोगे नहीं पता। अच्छा जा। तो फिर जा, अब जा, और कुछ नहीं चाहिए। ओ बाय 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 बाय। जाइए, किसी को पता नहीं चलेगा। पता ही चाहिए। जाइए जाइए। अब हम क्या करें? हाँ, तू तू तो खेल लिया। डम्सराज खेलते। डम्सराज डम्सराज। बताइए। थ्री इडियट्स। अच्छा। पिक्चर में कितने शब्द हैं? चार शब्द। एक मिनट मैं चुप। अंशा, थ्री इडियट्स में तो दो ही शब्द हैं। है, लेकिन पहला शब्द थ्री है ना, तो थ्री और फिर एक इडियट्स का, तो तीन और एक कितने हुए? चार। देखो पहले शब्द का इशारा कीजिए। तीन, थ्री थ्री थ्री। दूसरे शब्द का इशारा? पानी पानी पानी, थ्री पानी।
नहीं नहीं, ए पानी नहीं है दूसरा शब्द बाबूजी। अरे पानी शब्द नहीं, पानी मांग रहा हूँ, प्यास लगी है, मर जाऊंगा वरना। अच्छा, ये तो अच्छी बात है बाबूजी। हाँ, लेकिन हंसा भाभी, प्रफुल भैया हिमांशु, अरे हम लोगों को कोई आदमी नहीं मिला जो मुंबई का पता बता सके। हमें भी सिर्फ एक गोले शरबत वाला मिला, उसे भी मुंबई का रास्ता नहीं मालूम था। अरे तुम लोगों को गोला शरबत वाला मिला था? तो फिर गोला शरबत लिया क्यों नहीं? कमाल है बाबूजी, कमाल है। इस वक्त हम यहाँ वीराने में भटक रहे हैं, आसपास कोई अता पता बताने वाला नहीं है, और ऐसे वक्त में आपको गोला शरबत खाना है? इडियट्स, इडियट्स, एक नंबर के इडियट हो। चौथा शब्द इडियट्स, थ्री इडियट्स। अभी मैं देती हूँ, मैं देती हूँ। नहीं नहीं, अभी तो मैं देता हूँ। अच्छा, छह लाशें। अच्छा, छह लाशें। बड़ी-बड़ी कितने शब्द है? सात। छह लाशें, बड़ी-बड़ी तो दो हुए ना? पर पहला शब्द छह है ना, तो छह और लाश का एक, तो छह और एक सात। बड़ी बहन, जयश्री, देख 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 देख, यहाँ भी लिखा है खाली कुआं। तो वहाँ पे खाली कुआं ही तो था, और कहाँ कुछ था वहाँ पे? खाली कुआं, खाली खाली खाली। आते ये भी वही कह रहे, खाली कुआं ही तो था। और आत्महत्या करना भी मना है बाबूजी, वरना आप इस्तेमाल कर सकते थे। ये हेलो ढोंसा भाभी, वो देखिए वहाँ एक आदमी बैठा है, उसे जाके पूछते हैं कि मुंबई जाने का रास्ता कहाँ है। अच्छा अच्छा, चल चल जाके देखते हैं, उसे पूछते हैं। ए भाई साहब, ए भाई साहब, सुनो सुनो, इधर देखो जरा। नहीं रहा है जैसे, पता नहीं क्या कर रहा है। भाई साहब, भाई साहब सुनो, उठिए भाई साहब। हंसा भाभी, देखिए क्या लिखा है, मुझसे पता ना पूछो, मैं प्यास से मर चुका हूँ। प्याज खा के कोई मर सकता है? प्याज नहीं, प्याज से प्यास, पानी पानी। अच्छा अच्छा, ये मर गया है, इसे भी अभी मरना था। स्वार्थी जयश्री, स्वार्थी, बस लोग अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरों की मदद करने का तो जमाना ही चला गया। ये जयश्री, हम इसे से धक्का मार के देखे सच्ची में गिर जाता है कि नहीं। ए, क्या कर रहे हो? तो किसी को पता नहीं चलेगा। भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब, गिर गया, गिर गया। पुलिस पाजी, कुछ आता पता? देखिए, हमें सिर्फ इतना पता चला है कि जिस बंजर जगह पर उन्हें उतारा गया है, वहाँ पर रात को -6 से -8 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। क्या? जी, वाहिगुरु दा लख लख शुक्र है जी, लख लख शुक्र है। हाँ, ये परमिंदर ने -6 डिग्री टेम्परेचर भी महसूस नहीं किया होगा, है ना कभी? ना ना पुलिस बाजी, भाई ठंड तो चंडीगढ़ में भी पड़ती है। तो ये कि मैंने खोए की केक और पराठे बांध कर दिए हैं ना, अब गर्मी वाली जगह होती तो खाना खराब नहीं हो जाता। अरे डोबा लाल, डोबी लाल, खाने की छोड़ो, वो लोग ठंड से बच भी गए ना, तो आतंकवादियों से खतरा है। आतंकवादी? ओ जी, ये तो रब दी मेर होगी साडे ते, रब दी मेर। शुक्र है रब्बा, लख लख शुक्र है। परमिंदर ने आज तक आतंकवादी भी नहीं देखे होंगे, है ना? सही समझे आप, कंफर्म हंसेरिया पारे क्या हो गया है तुमको। धन्यवाद। यस सर।